उसके बाद आज का
आज की नाइट का आखिरी सीन सीधा स्वयं वो है। कल हमारे क्लब की तरफ से प्रभु श्री राम जी की बारात शहर के मुख्य बाजारों से होती हुई खत्री भवन समाप्त होगी। बारात पुराना रेस्ट हाउस वहां से चलेगी और अंत में खत्री सभा में समाप्त होगी और वहां पर खत्री सभा के मेंबर्स प्रेसिडेंट और उनकी कैबिनेट बारात का स्वागत करेगी। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने इतना बड़ा आयोजन हर साल करते हैं। कल रात को इसी मंच पर धार्मिक नृत्य पेश किए गए हैं। पूरी तरह से नृत्य जो हैं वो धार्मिक होंगे। कपिल कोहली एंड पार्टी द्वारा यहाँ आपके सामने इसी मंच पर नृत्य पेश किए गए। 6 तारीख यानी कि दशहरे के दूसरे दिन वैरायटी शो होगा। जो नाइट हम हर साल आपके लिए करते हैं वो 6 तारीख को वैरायटी शो के रूप में वो नाइट आपको दिखाएंगे जिसमें बढ़िया डांस होंगे। अगर कोई बच्चा इस मंच पर डांस करना चाहता है तो वो सीखा हुआ होना चाहिए, उसके पास कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए जिससे हमें पता चले कि बच्चा सीखा हुआ है। वो आए हमें कोई सर्टिफिकेट दिखाए और वो फिर डांस यहाँ कर सकता है इस मंच पर। ये डांस हम लोग दशहरे वाले दिन और 6 तारीख को इसी मंच पर दिखाएंगे। अब मैं मास्टर मोहनलाल जी सबका मंत्री पंजाब उनसे कहूंगा कि वो मंच पर आए और आगे की जो कार्रवाई है वो आपको बताएं। धन्यवाद। को 500 रुपये का दान दिया है। मैं विशाल कोहली जी का उनकी बेटी जिनका जन्मदिन है वो 100 वर्ष तक जीने वाली और अपने माँ बाप की सेवा करने वाली माँ बाप के नाम रोशन करने वाली हो कोहली साहब को उनकी बेटी के जन्मदिन की मुबारक। बोल सियावती रामचंद्र महाराज की। तो दोस्तों जैसे कि आज हमारी तीसरी नाइट है बहुत सारे खूबसूरत दृश्य आपको देखने को मिलेंगे और ये सारा जो प्रसारण आप अपने घरों में बैठकर भी देख रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं फास्टवे चैनल पे 240 नंबर जो चैनल है उस पर आप लोग इसका आनंद ले सकते हो और टुडे हेडलाइन जो चैनल है उसका भी केबल पे 131 नंबर जो चैनल है उस पर आप देख सकते हो। और फास्टवे वालों से मैं गुजारिश करूँगा कि जो फोन्स आ रहे हैं कि आवाज़ में थोड़ी दिक्कत है वो प्लीज़ क्लियर कर लीजिए। और इसके साथ साथ फेसबुक पर भी टुडे हेडलाइंस पे लाइव चल रही है इस टाइम पे और रामा ड्रामाटिक क्लब का जो पेज है आप उसको भी जब फेसबुक पर लॉग ऑन करेंगे तो वहाँ पे भी आप इसको लाइव देख सकते हैं।
तो जो लोग घरों में बैठे हैं या यहाँ पे बैठे हैं, अपने अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को ये लिंक्स शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग जो यहाँ पे नहीं आ सके घर बैठ के इसको एंजॉय कर सके। शुक्रिया। मंत्री जी, मालूम होता है कि कर्मचारियों ने अपने कर्तव्य की ओर ध्यान देना छोड़ दिया है। दिल के बढ़ते हुए पक्षाप किसी आने वाले भयानक समाचार का इंतजार कर रहे हैं। आप क्यों बताओ, बताओ मंत्री जी, क्या प्रजा पर कोई संकट तो नहीं? महाराज, नाम अलम बात महाराज के लिए अपने राज कर्मचारियों के कर्तव्य का संदेश क्यों है? प्रत्येक कर्मचारी आपको अनुपत जान से सवाल करने के लिए इंतजार है। आज तक किसी कर्मचारी ने अपने काम का अधिकार नहीं। मैं जानता हूं कि आज तक किसी भी कर्मचारी के प्रति मेरे दिल में कभी शिकायत पैदा नहीं हुई। मगर गुरु जी, राजा का कर्तव्य क्या है? मैंने उसको बचाने के लिए कमाकर तीर
गुरु जी आपकी फरमाए क्या ये दृश्य किसी आने वाली बहुत बड़ी मुसीबत की चेतावनी तो नहीं? क्या ये दृश्य मेरे दिल को परेशान करने के लिए काफी नहीं? अपने अहलकारों की दयानतदारी पर शुक्र दिल ये भी नहीं मानता। आखिर बात क्या है? ईश्वर गुरु जी आप ही जाए और उन्हें आपस में दरबार में लाए। मुझे सामने जाते हुए भी उनके कॉप से डर लगता है। मुनिवर प्रणाम। मुनिवर आज हमारे धन्य बाप जो दर्शन देकर कृपा किए कहिए कुशल तो है? आज आपके चेहरे पर राजन मुझे धोखा देने की कोशिश मत करो। क्या ये हो सकता है कि रथ में अत्याचार हो रहा हो और राजा को इसकी खबर ना हो? महाराज ये आप क्या कह रहे हैं? मैं कुछ समझा नहीं। अत्याचार मेरे राज्य में अत्याचार? मुनिवर ईश्वर साक्षी है कि मैं कुछ नहीं जानता। तो क्या ये मान लिया जाए कि पुलिस काम में आग लगी हुई है और बहुत मीठी मीठी बुहार के मजे ले रहा, या फिर ये मान लिया जाए कि जुल्म और सितम के बाद उमड़े चले आ रहे हैं और महलों में बैठे हुए राजा के कर्म तक उसकी आवाज नहीं पहुंच रही, या फिर ये मान लिया जाए कि प्रजा की बहु बेटियों की इज्जत कानून सब खतरे में है और महलों में बैठा हुआ राजा रंगहरिया बना रहा है? अगर ऐसा है तो वो राजा राज्य करने के काबिल नहीं जिसके मशीन दीवान वजीर सब काबिल है। अरे दूसरी प्रजा आराम से सब आप बैठे हैं, इधर लोगों के दिल और खिदाब पर सब बैठे हैं। खुशामद ही खुशामद है, तेरे तो बाप में राजा हूं, फकत एक की हजूरी है तेरी सरकार में राजा हूं। बस मुनिवर बस, आखिर आपको ऐसा कौन सा कष्ट हुआ है जिसके कारण आप इतने नाराज हो रहे हैं? राजन अगर सिर्फ मुझे ही कष्ट होता तो शायद मैं तुम्हारे पास कभी ना आता, मगर यहां का हालात ने वो पहचान पाया कि कमजोर इंसानों का जीना दूभर हो गया है। ज्वालामुखी पहाड़ फटने वाला है, जुल्म के समुद्र में तूफान उठने वाला है। अगर जल्द ही इसकी रोकथाम ना की गई तो इसकी लपेट से तुम भी नहीं बच सकोगे। फलक से बिजलियां गिरने लगी खड़ी है इस वक्त दुनिया समुंदर के बहाने पर। अभी है इब्तदा और इंतहा की रात की जमीन, नहीं मालूम क्या हो जाएगा अब तक जमाने पर। क्षमा मुनिवर क्षमा, अब आप ज्यादा पहेलिए ना हो गए और अपना असली मकसद बयान कीजिए। राजन राक्षसों ने वो उद्धम मचा रखा है कि ऋषियों और कमजोर इंसानों का जीना दूभर हो गया है। वो इस कदर कह रहे हैं कि दया से कहा, अगर जल्द ही इसका मुकाबला ना किया गया तो इसकी लपेट से तुम भी नहीं बच सकोगे। बस महाराज बस, मैं अभी इसी वक्त अपनी पहुंच लेकर उनकी सरगोभी के लिए चलता हूं। तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, मेरी पहुंच के सिका सलारो तैयार हो जाओ और आज ही कूच के लिए पहुंच को मेरा हुक्म सुना दो। महाराज जल्दी से हर काम बिगड़ जाया करते हैं, अगर मेरी राय से काम करेंगे तो
मैं आपका हर हुक्म मानने के लिए कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने किए हुए वादा से भूल जाएं। मुनि जी, ये आप क्या कह रहे हैं? सूरज पूरब की बजाय पश्चिम से निकले, दरिया बजाय ढलान के ऊंचाई की तरफ बहे, आसमान और सातम में और पृथ्वी आकाश में चली जाए, ये सब मुमकिन है। लेकिन रघुवंशी राजा अपने किए हुए फायदे से मुकर जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो आप श्री राम चंद्र और लक्ष्मण जी को मेरे साथ भेज दीजिए, बाकी का काम मैं खुद कर लूंगा। राम और लक्ष्मण, मुनिवर क्षमा कीजिए, ये अभी बालक है और उस तरफ इतने कुंभार राक्षस, इन बालकों को उस मुहिम पे भेजना किसी भी खतरे से खाली नहीं। दूसरे आंखों के बेटों को चंद में धकेलना और अपनी औलाद को महल में छुपा कर रखना, ये कहां का इंसाफ है राजन? हुक्म आसान है लेकिन निभाना बहुत मुश्किल है। किसी के दर्द में ठोकर लगना बहुत मुश्किल है। बनाई लाख वर्षों की बिगड़ जाती है एक पल में, मगर एक पल की बिगड़ को बनाना बहुत मुश्किल है। जुदा संतान से होना मुनिवर बहुत मुश्किल है, मिली आंखों को भी खोना मुनिवर बहुत मुश्किल है। तो क्या यही है रघुकुल की रीत? यही है आपका धर्म? भूल गए कि आपने अभी अभी हमें वचन दिया है, अभी अभी आपने इच्छानुसार हमारी सहायता करने का वादा दिया है। हम जा रहे हैं मगर याद रख, दुखी हृदय से निकला हुआ एक भी शब्द तुम्हारा पूरे राज्य को। ठहरिए मुनिवर, ठहरिए, अब मैं क्या करूं? गुरु जी आप ही बताएं। गुरु जी, बार बार ख्याल आता है कि राम और लक्ष्मण अभी बच्चे हैं। अगर आपकी यही मर्जी है तो ले जाइए मुनिवर, मेरे इन जिगर के टुकड़ों को ले जाइए। बेटा ख्याल रहे कि मुनि विश्वामित्र जी की किसी भी बात का उल्लंघन ना हो। Oh,
तुमको पहले इस तरफ से लेकर आया ताकि पहले उस दुराचारी को जब नहीं सोचा मगर हर जालिम चाहे वो नारी हो या पुरुष जुल्म से मजलूम को निजात पाप नहीं बल्कि धर्म है। मैं तो आज्ञा देता हूँ कि उसका संहार करो। वो देखो ये सामने उसी का देश है। Yeah!
अभी इंसानियत राज कर रहे हैवान हैवान जिनकी होगी ताकत अपूर्ण जिनका होगा निशाना अभेद जो करेंगे इनका सर्वनाश वो कहलाएंगे
तुझे लगता है कि तुझे ज्यादा ही जल्दी परलोक जाने की है, ले संभाल मेरा बाप। Oh,
ऐसे मनाता ना बंदा मेरे तो जगह है तू चली है।
जय
आज सजे आए वे सारा शहर आज वो गया वे रख दी महर हाय सजे आए वे सारा शहर आज वो गया वे रख दी महर अखियां जो डिग दे हंजू खुशियां तेरी बढ़ाना आज तू सजना अखियां जो दिग दे अंजू खुशियां तेरी बढ़ाना आज तू सजना खुशियां न चढ़ेगा आज बेला वे सारे आने नचना सारे आने
ये धनुष नहीं है, ये धनुष नहीं तो और क्या है?
मुताबिक इसमें होने वाला है। मेरे कहने पे चलते हैं। नारे Thank you.
हमें इससे कोई
जैसे धर्मात्मा और महापुरुष के सामने बोलना इतने हैं। आपने सुना नहीं, महाराजा जन ने पृथ्वी को वीरों से खाली बताया है। शायद महाराजा जन को वीरों से वास्ता ही नहीं पड़ा इस पोशीदा से धनुष के लिए। इसका मेरा विमान माता जी हुक्म दीजिए ताकि इसको उठाकर ऐसी जगह फेंकूं जहां से इसका नाम और निशान भी ना मिल सके। महाराज अफसोस तो इस बात का है कि मैं अपने बड़े भाई और मुनि विश्वामित्र जी की आज्ञा के बगैर कुछ नहीं कर सकता, वरना इस वक्त तक ये धनुष तब का चकना चूर हो गया होता। तुम्हारा भक्त भक्तों में भक्त कोई आती होगा। तुम हो के पस्से के शिकार, हम हो
मुक्ति दे शेर की गर्म उसके कानों तक नहीं पहुंच जाती। बुलबुल उतनी तेरी चहचहाती है जितनी देर सैया का हाथ उसकी गर्दन तक नहीं पहुंच जाता। पड़ेगा वास्ता जिस पर दशरथ के कुमारों से हजारों बिजलियां पीनेगी आंखों के इशारों से। छिपेगा चांद सूरज आसमां टूटेगा पृथ्वी पर हवा थम जाएगी शोले उठेंगे Thank you.
बेहतर व आधुनिक पसंद के लिए याद रखें रागी होम डेकोर केयर ऑफ रागी डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड प्रमोटर्स वार्ड नंबर 11 नियर नोबेल्टी मॉल ममून रोड पठानकोट कॉन्टेक्ट अस ऑन 9540061113